नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अस्थालीन फूड टेबलेट के बारे में। दोस्तों, आज आपको बताएंगे अस्थालीन फूड टेबलेट का इस्तेमाल किस किस बीमारियों में किया जाता है, और दोस्तों अस्थालीन फूड टेबलेट की डोज क्या है, प्राइस क्या है, और दोस्तों अस्थालीन फूड टेबलेट की साइड इफेक्ट क्या है, और दोस्तों इस टेबलेट के फायदे क्या क्या है, आपको सारी जानकारी दोस्तों हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अस्थालीन फूड टेबलेट की फुल रिव्यू करने से पहले अगर आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आप सबसे पहले दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अस्थालीन फूड टेबलेट की फुल रिव्यू। दोस्तों, अस्थालीन फूड टेबलेट सिप्ला कंपनी के एक बेस्ट प्रोडक्ट है। दोस्तों, अगर कीमत की बात करें तो अस्थालीन फूड टेबलेट की दोस्तों कीमत है 6 रुपये 4 पैसा, जो दोस्तों 30 टेबलेट के स्ट्रिप में आती है। दोस्तों, अस्थालीन फूड टेबलेट आपको किसी भी मेडिकल में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अस्थालीन फूड टेबलेट के डोज क्या है और इस टेबलेट के फायदे क्या क्या है। दोस्तों, अस्थालीन फूड टेबलेट का उपयोग दमा और COPD के कंडीशन में किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अस्थालीन फूड टेबलेट का उपयोग ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में दिक्कत, सांस संबंधी पुराने रोग, एलर्जी संबंधी विकार और त्वचा संबंधी विकार में भी दोस्तों अस्थालीन फूड टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कई मामले में अस्थालीन फूड टेबलेट का उपयोग अकस्मात होने वाली महिलाओं में प्रसव की स्थिति के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, अस्थालीन फूड टेबलेट के रिजल्ट की बात करें तो इस टेबलेट का दोस्तों रिजल्ट काफ़ी एक्सीलेंट देखने को मिलती है, खासकर दोस्तों अस्थमा और COPD की कंडीशन में। दोस्तों, अस्थालीन फूड टेबलेट में अगर कंपोजिशन की बात करें तो इस टेबलेट में दोस्तों कंपोजिशन है सर्बुटामोल 4 mg। दोस्तों, सर्बुटामोल 4 mg का काम क्या है, हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे चुके हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। दोस्तों, अस्थालीन फूड टेबलेट शेड्यूल एस ड्रग्स में आती है और दोस्तों डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इस टेबलेट को खरीदें। दोस्तों, अस्थालीन फूड टेबलेट की अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इस टेबलेट के दोस्तों साइड इफेक्ट त्वचा पर चकत्ते, अनियमित दिल की धड़कन, रक्त में ग्लूकोज स्तर में वृद्धि, हाथ पैरों में सूजन, मोतियाबिंद, सिर दर्द आदि दोस्तों अस्थालीन फूड टेबलेट के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अस्थालीन फूड टेबलेट की डोज की और इसको कैसे लिया जाता है। दोस्तों, 12 साल से ऊपर के व्यक्ति को एक गोली सुबह शाम लेना चाहिए, और दोस्तों अगर बच्चों में भी अस्थमा का शिकायत है तो उसको आधा गोली सुबह शाम दे सकते हैं। दोस्तों, अस्थालीन फूड टेबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर रहें, और किसी तरह पर दोस्तों दिक्कत होने पर अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।